मेथड में हम डिवाइड कर रहे हैं ध्वजांक मेथड से, तो 4532 को डिवाइड कर रहे हैं 112 से, ठीक है। तो इसमें डिवीजन करने के लिए क्या है कि आप दो कॉलम्स इस तरह से बना लेंगे, और अगर आपने 112 से डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट को आप यहां प्लेस करें और बाकी के डिजिट को आप यहां प्लेस करें। इसका डिवाइड तो हम करेंगे, इसको यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसका यूज हम करेंगे डिवाइजर के लिए, ठीक है ना, डिवाइजर के लिए। तो इसका भी यूनिट प्लेस आप यहां प्लेस कर देंगे और बाकी के इन डिजिट्स को आप थोड़ा थोड़ा गैप में यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप मेरा है, क्या स्टेप है मेरा पहले कि देखो इसमें डिवाइड अपन को करना है कितने से करना है कि हमको ना 11 से डिवाइड करना है। तो देखो 4 में डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो मैं 45 में डिवाइड करूंगा सबसे पहले। तो 45 में 11 का डिवाइड किया तो कोसेंट आपको कितना मिलेगा 4, और रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 1। कोसेंट तो आपको यहां लिखना है, और रिमाइंडर आपको देखो ये दोनों डिजिट मैंने यूज किए थे तो इन दोनों के बीच में आपको प्लेस कर देना है रिमाइंडर को। इज इट क्लियर? फिर देखिए नेक्स्ट, या थोड़ा सा आप ऊपर रख सकते हैं। तो अभी मेरे पास ना 13 हो गया, 13 तो नंबर सेकंड में, फर्स्ट में मेरे पास डिवीजन है, सेकंड नंबर में मैं क्या माइनस अप्लाई करूंगा। तो देखो इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन माइनस कर देंगे, तो 24 जा कितना हो गया, ये 24 जा 8 हो गया, तो 24 जा 8 तो यहाँ पे कितना बचेगा 13 माइनस 8 करोगे कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ये जो 5 हमारे पास आ रहा है इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर डिवाइड करना है 5 में, कितने करना है 11 का। तो यहां से आपको कोसेंट कितना मिलेगा 0, रिमाइंडर कितना मिलेगा 5 ही मिल जाएगा। तो रिमाइंडर को देखो अभी मैंने ये डिजिट यूज किया है ना, ये डिजिट इनको ही यूज किया है, तो रिमाइंडर को तो आप यहां प्लेस कर दोगे, रिमाइंडर आप यहां प्लेस कर दोगे और क्वेश्चन को आप यहां प्लेस कर दोगे। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट मेरे पास नंबर बनना है, क्या बनना है, ये बनना है 52। तो 52 में से आप ना अभी आप केवल माइनस करोगे, तो क्योंकि ये लास्ट है तो अब हमारे पास डिवीजन अप्लाई हमें नहीं करना है। तो 0 × 2 यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आप माइनस कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये आपका बचेगा कितना 52 ही बचेगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये लास्ट डिजिट था इसीलिए अब इसमें हम कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये 52 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन वी हैव 40 और रिमाइंडर कितना आपका 50, यानी कि व्हेन 4532 इज डिवाइडेड बाय 112 यू गॉट क्वेश्चन 40 एंड रिमाइंडर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 1234 इज डिवाइडेड बाय 42। तो इन द सेम वे अगेन वी विल मेक टू कॉलम्स, दो कॉलम बना लेंगे हम, और एक कॉलम यहां पे इसका यूनिट डिजिट आप डिवाइड इसके लिए काम करेंगे, और इसको डिवाइड के लिए, इसको सब्ट्रैक्शन के लिए, इसको डिवाइड के लिए, ठीक है ना। इसका भी यूनिट डिजिट आप यहां प्लेस कर दो पीछे, और इनको थोड़ा थोड़ा गैप में आप लिख लेंगे। तो नंबर फर्स्ट क्या करना था हमको कि देखो 4 का डिवाइड करना है 1 में, तो 1 में डिवाइड तो ज्यादा नहीं है तो आप पूरे 12 में कर दीजिए। तो 12 इज डिवाइडेड बाई 4, तो आपको कोशेंट कितना देगा, क्वेश्चन आपको कितना देगा, ये 3 दे देगा, रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा। तो क्वेश्चन को आप यहां प्लेस कर देंगे और रिमाइंडर को इन ये डिजिट यूज किए थे तो इन दोनों के प्लेस में आप यहां रिमाइंडर को प्लेस कर देंगे। इज इट क्लियर? तो नंबर सेकंड हमारे पास नंबर क्या बना, 03। अब 03 में आप ना माइनस करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी 2 × 3 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आएगा, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स क्या है कि यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस, तो यानी कि आप इसको क्रॉस कर दीजिए। नाउ यू रिपीट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, ठीक है, इन दोनों स्टेप्स को आप रिपीट कर देंगे। तो देखो क्या रिपीटेशन करना है, नंबर फर्स्ट जो आप 12 का डिवाइड कर रहे थे, 12 में डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो क्वेश्चन आपने जो 3 लिया था आप 2 ले लें आप इसको, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, ये फिर 4 ही आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 4 × 2 = 8, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, रिमाइंडर तो मेरे पास क्वेश्चन कितना है 2 है, तो फिर रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास इस समय 4 आ गया, सॉरी ये 4 आ गया। इज इट क्लियर? तो नंबर सेकंड स्टेप में क्या है, ये हमारा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, तो 43 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 × 2 = 4 आ गया, तो कितना बचेगा 39। इज इट क्लियर? अब नंबर थर्ड में आप क्या कर रहे हो कि 39 में आप डिवाइड कर दें कितने का, 39 डिवाइड कितने करने वाले हैं 4 का, तो 39 में 4 का डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना मिलेगा आपको 9, और रिमाइंडर कितना मिलने वाला आपको 3 मिलने वाला, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को आप यहां लिख दोगे और रिमाइंडर को आप कहां लिख दोगे, इधर लिख दोगे यहां पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लेस कर देंगे। अभी देखो तो नंबर हमारे पास क्या बन जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर वी हैव
इस 34, 34 में से माइनस क्या करना है, तो 9 2 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 9 जा 18। तो देखो इसके बाद हमारे पास कोई डिजिट तो है नहीं, तो बस माइनस पे जाके इसको हम क्या कर देंगे, प्रोसेस को फिनिश कर देंगे। तो आपने जैसे माइनस करोगे तो 16 बचेगा, तो कोशेंट भी है आपके, तो ये 16 बचेगा, तो कोशेंट यू हैव 29 एंड रिमाइंडर यू हैव व्हाट, 16। दैट्स योर आंसर, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 98,765 में आपको डिवाइड करना है 87 से, ठीक है। तो सेम वर्क कि आपने 87 से डिवाइड करना है, तो 7 को आप यहां प्लेस कर लीजिए, 8 का डिवाइड के लिए काम करेंगे हम, इसकी यूनिट प्लेस को आप पीछे रख दें 5, वहीं थोड़ा गैप में लिख देंगे 9 8 7 एंड इट इज 6, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट, क्या हम 8 का डिवाइड 9 में दे पा रहे हैं, यस, तो 9 इज डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंड कोशेंट यू हैव 1 एंड रिमाइंडर यू हैव 1, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन यहां लिखा जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या लिख देंगे, रिमाइंडर को लिख देंगे, ठीक है। नंबर सेकंड, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 18 में से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 into 1, तो ये आपको कितना मिलेगा, 11, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, 11 मिल गया, ठीक है। अभी क्या है कि जो 11 है, 11 में तो मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड भी कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहां पे 11 में डिवाइड करने वाला हूं, कितने का, 11 इज डिवाइडेड बाई 8, तो कोशेंट कितना आएगा, 1, और रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 3 आएगा, तो कोशेंट तो आपका 1 आ गया और रिमाइंडर कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नंबर यू हैव 37, तो 37 में से माइनस कर दीजिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो 1 into कितना हो गया, 7, तो ये कितना बचेगा, 30, ठीक है। अब फिर वही प्रोसेस, नंबर थर्ड, नंबर नेक्स्ट 30 में आप डिवाइड कितने को कर रहे हो, 8 से, तो 8 3 जा 24, तो कोशेंट कितना हो गया, 3, और रिमाइंडर कितना हो गया, 6, तो कोशेंट को आप यहां प्लेस कर दोगे और रिमाइंडर को आप यहां प्लेस कर दोगे इन दोनों के बीच में, ठीक है। देखो नेक्स्ट नंबर इज कि हमारे पास ये क्या बन चुका है, 66, तो 66 में से आप माइनस करेंगे 3 7 जा, यानी कि इन दोनों को आप माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21 आप इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 45, तो फिर 45 में मैं डिवाइड करने वाला हूं कितने का, 8 का, तो कोशेंट कितना मिला आपको, 5, और रिमाइंडर भी कितना मिला आपको, 5 मिला, इज इट क्लियर। तो कोशेंट को आप कहां प्लेस कर दोगे, यहां पे, और रिमाइंडर इन दोनों के बीच में प्लेस कर दोगे, ठीक है, सॉरी कोशेंट आप कितना प्लेस कर देंगे, कोशेंट कितना आ गया आपका, 5 आ गया, 5 इन दोनों के बीच में 5 लिख दो यहां पे, और रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो नंबर नेक्स्ट हमारा कितना बना, 55 में से माइनस करना है कितना, 5 7 जा 7 5 जा 35, तो 20 बचेगा, तो ये लास्ट, अब इसके बाद प्रोसेस हमारे नहीं चलेगा, तो 20 हमारा क्या है, रिमाइंडर, एंड व्हाट इज कोशेंट, तो कोशेंट यू हैव 1135 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सिर्फ डिवीजन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपका एज इट इज रहेगा। देखो 879 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसका यूनिट डिजिट आपने यहां प्लेस कर लिया, ठीक है, और इसका यूनिट डिजिट आप यहां प्लेस कर लो, बाकी की यहां लिख लोगे 2 1 0 1 5 एंड 3, ठीक है, और ये कितना आएगा, 87। तो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, 87 से 2 में डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर 21 में नहीं हो पाएगा, 210 में, यस यू कैन डिवाइड, तो 210 इज डिवाइडेड बाई 87 कोशेंट, ठीक है ना, तो आई थिंक ये 2 टाइम्स आएगा, तो देखो कितना आएगा ये 4 16 एंड 17, तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा, देखो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा, और आप इसमें से माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, ये 36 आ गया रिमाइंडर, ओके। चलिए तो रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा है, कोशेंट कितना रहा है, 2, और देखो ये 3 डिजिट हमने यूटिलाइज ऑलरेडी कर लिए हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना है, 36, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों डिजिट्स के बीच में हम 36 को प्लेस कर देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट नंबर बी है, कितना है नंबर के? 361, 361। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो -9 इंटू 2 18, तो 18 माइनस करो आप इसमें से, तो 361 माइनस 18, तो ये कितना बचेगा? 3, और ये 4, और ये 3, तो 343 बचेगा, 343। 343 में आप क्या करने वाले हो, 343 में डिवाइड करने वाले हो कितने का? 87 का। तो देखो, 8 4 जा 32, 32, और 7 4 जा 28, तो ये आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से कोशेंट आपको कितना मिलेगा? ओनली 3, और रिमाइंडर कितना वो देख लेते हैं ना। तो 37 जा 21, 38 जा 24, और 26, तो इसमें से माइनस कर दो, तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 2। 4 माइनस 16, ये 8 बचेगा आपके पास, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 2 में से 2, ये तो 82 मिलेगा। देखो चेक कर लेते हैं, 3, और ये आपका कितना मिलेगा? 4, और ये 2, और ये 1, ठीक है। ये आ गया, कोशेंट कितना आ गया? 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 82। तो ये 3 लिख दो आप। देखो अभी हमने यूटिलाइज किसका किया था? इसका और इसका यूटिलाइज किया था, ठीक है ना। तो अभी मैं इस रिमाइंडर को इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लेस कर देता हूँ। तो कितना है? 82 है मेरे पास रिमाइंडर। फिर देखो नेक्स्ट, तो नंबर 4 हमारे पास क्या बन गया? तो ये नंबर बन गया 825, और इसमें से माइनस क्या कर रहे हो आप? 93 जा 27, 39 जा, तो 27 आप माइनस करो, तो 825 माइनस 27, ये कितना बचेगा? 8, 15 माइनस 7 8, और यहाँ पे 11 माइनस 2 9, और ये कितना? 7, ठीक है। ये बचेगा 798 बच जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर 798 में आप डिवाइड कर रहे हो कितने से, ठीक है ना, कितने से करोगे? 87 से, 87 से डिवाइड करोगे। तो क्वोशेंट देख लेते हैं, तो क्वोशेंट हमारा कितना आएगा? क्वोशेंट आएगा आई थिंक, देखो कितने बार मल्टीप्लाई हो सकता है इसमें, 6 9 और 70, आई थिंक 9 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, 9 टाइम्स। तो देखो 9 7 जा 63, और 9 8 जा 72, 78, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 9 टाइम्स डिवाइड हो गया। और रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें से 5, 9 माइनस 8 कितना बचेगा? 1, ठीक है, ये हो गया। चलिए नंबर 6, तो ये नंबर हमने अभी इन दोनों के बीच में प्लेस किया था, तो कोशेंट हमारा कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो देखो अभी मैंने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट किया था, अब इन दोनों का करूंगा। तो ये जो नंबर है 15, मैं इन दोनों के बीच में प्लेस कर देता हूँ, इन दोनों के बीच में 15 को प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा और गैप ले सकते थे आप इसमें। तो फाइनली आपको 153 में डिवाइड कितने करने वाले हो? 87 से। तो मैं समझता हूँ कि आप एक ही बार डिवाइड कर पाओगे, तो 87 माइनस कर दो, तो 153 में से 87 माइनस करोगे, 6 बचेगा, 14 माइनस 8 66, ठीक है, ये बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 66 आ गया। तो क्वोशेंट आपका 1 आ गया, और रिमाइंडर 66 इन दोनों के बीच में प्लेस कर दोगे आप, तो फाइनली यू हैव के नंबर 7। तो अब क्या करने वाले हो? 662 में से माइनस, क्योंकि अब इसके बाद कुछ तो है नहीं, तो बस यहीं इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो 9 1 जा कितना हो गया? 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9, तो आप माइनस करो, तो आप जैसे इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा? 653 मिलेगा। तो ऑब्वियसली 653 इज लेस देन 879, 653। तो फाइनली व्हाट इज द कोसेंट? कोसेंट इज 2391, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? 653। देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं एक क्वेश्चन वैसे सिंपल ये वाला लेता हूँ, जैसे ये लेता हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो 1234 में जैसे आप डिवाइड करते हो, है ना, सिंपल जो डिवाइड आपने सीख रखा है। देखो पहले क्या करते हो आप, इसका इसमें डिवाइड किया आपने, नहीं जा रहा, फिर इसमें किया नहीं जा रहा, इसमें किया तो जा रहा है। तो आपने जैसे इसमें डिवाइड किया, तो जैसे कितने बार डिवाइड जा रहा है इसमें वो देख लेते हैं अपन। तो जैसे मान लो इसमें डिवाइड हमारा जा रहा है कितने बार? 123 में, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, तो कितना आ गया? 4 आ गया, और 2 4 जा कितना हो गया? 8 हो गया।
फिर आप इसको क्या करते हो, माइनस करते हो। तो हमने क्या किया, एक बार डिवाइड कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, तो वही प्रोसेस तो चल रहा है, ठीक है ना। देखो ये आ रहा है, कोशेंट टू भी आ रहा है, फिर आप इसमें से माइनस कर लेते हो, तो ये कितना 13 - 4 9 बचेगा, और 11 - 39 बचेगा, ठीक है ना। देखो 39 बच रहा है ये वाला, ये आ गया आपका। फिर आप क्या करते हो, फिर आप अगले वाले डिजिट को ले लेते हो। देखो हमने यही तो किया कि 39 के साथ में जो है 39 में डिवाइड किया। फिर देखो क्या है, अब जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं करूँ तो 4 को ले लूंगा मैं अगला, जैसे 4 को लिया ना हमने अभी, तो 4 को ले लेंगे। अब इसमें डिवाइड हम करने वाले हैं, तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जा रहा है, जैसे मान लो 9 टाइम्स जा रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ लिखोगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। फिर हमने ये 4 लास्ट ले लिया, खत्म हो गया क्वेश्चन, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो वही जो आपने पढ़ रखा है, दैट इज ऑल्सो द भुजांक मेथड। थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन आप अपने आप रैंडमली लेकर के ट्राई कर सकते हैं। धन्यवाद।